मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात करें हम झारखंड की सियासत को लेकर। बताते चले कि यहाँ पर लगातार हेमंत सोरेन की इस्तीफे की मांग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन एक के बाद एक फैसले लेते नजर आ रहे हैं। वो फैसले कहीं ना कहीं राज्यपाल के खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन वो जनता का साथ देते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि शायद पूरी तरीके से डर में जी रहे हेमंत सोरेन, तभी वो जनता के लिए अब यहाँ पर फैसले ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी भी मेरी सीट मेरे हाथों से जा सकती है। अब वही आपको बता दें कि 1932 खतियान के बारे में स्थानीय नीति के लागू होने के चर्चों के बीच जाने अनजाने झारखंड ने नेता नौकरशाही की नींद हराम कर दी। वही सियासी उलटफेर की आहट से जहां सरकारी अफसरों बाबू में जोर की कानाफूसी चल रही है, वही ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी छापेमारी दबिश के बीच बड़े साहबों में दुआ सलाम भी खुलकर नहीं हो पाई। सरकार की नीति नियंता भी सीधी बात करने के बजाय इशारों में ही काम निकाल रहे हैं। वही हेमंत सोरेन के 1932 खतियान वाले मास्टर स्ट्रोक से सबकी बोलती बंद हो चुकी है। किसी पार्टी को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में बने रहना है तो उसके पास मुद्दे होने चाहिए। इन मुद्दों के आधार पर क्षेत्रीय पार्टियां जिंदा भी रहती हैं। अपनों को आंदोलन की उपज बताने वाले पार्टी के पास भी दो तीन करारे मुद्दे रहे, जिस पर इस पार्टी का पूरा ताना बाना केंद्रित था। अब राज्य में हाल के दिनों में कुछ ऐसी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी कि सारे के सारे मुद्दे ही बड़े स्थानीय पार्टी ने खत्म कर दिए। अब तो हालत ये है कि स्थानीय मुद्दों पर राजनीति करने वालों को समर्थन से ही काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि राजनीति में मुद्दे कभी नहीं मरते। सो प्रयास में होंगे कि किसी तरह सरकार फेल हो और मुद्दे फिर जीवित हो जाए। फिलहाल इसका इंतजार ही करना पड़ेगा, तब तक सड़क बिजली अपराध जैसे मुद्दों पर ही काम चलाना पड़ेगा। इसके आगे बता दें आपको कि कभी छोटी से बड़ी योजनाओं परियोजनाओं पर सचिवालय के बाबुओं की पूरी पैक रहती थी। योजनाएं बनाने से लेकर टेंडर तक के वे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से शामिल रहते थे। वही बड़ी बड़ी परियोजनाएं केंद्र की शुरू हुई तो स्थितियां ही बदल गई। अब तो बाबू कहते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है जी, और यहाँ कुछ हो भी नहीं सकता। अब तो जो भी रहा है वहां हो ही रहा है, मतलब कि कहने का ये है कि यहाँ पर अब हमारे बस की कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर जो भी हो रहा है वो सरकार के कहने पर हो रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हेमंत सोरेन को इस्तीफे का डर है, इसलिए वो जनता के पक्ष में लगातार काम करते नजर आ रहे हैं। अब वहीं पर बाबू का कहना है कि बस हम तो रूटीन काम ही देख रहे हैं, किसी को वेतन देना है तो किसी को अन्य लाभ देने हैं। उनका दर्द सही भी है, वहां भले ही टेबल संभाल रहे हुजूर कॉन्ट्रैक्ट पर हो, लेकिन फाइलों में सचिवालय के बाबू को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं। बस समझिए कि लेन देन में इतने माहिर है कि बाबू भी शर्मा जाए। ऐसे में सचिवालय के इन दिनों में ज्यादा ही परेशान नजर आए लोग, और किसी न किसी बहाने परियोजना से रिपोर्ट मांग कर यहाँ तक कि रिमाइंडर भेजकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। यहाँ पर खबर का कहने का मतलब यही था कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन लगातार फैसले ले रहे हैं, तो उससे ये लगता है कि शायद जिस तरीके से झारखंड में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और यहाँ पर जनता की नहीं सुनी जा रही, तो अब इस वजह से हेमंत सोरेन ने सोचा कि इतने सारे फैसले ले लीजिए जिसमें खतियान हो, जिसमें पेंशन योजना हो, जिसमें रोजगार देना हो, और जिसमें लोगों को स्कूल पास और कॉलेज पास कराना हो। इस तरीके के फैसले वो लेते नजर आए। क्या आप भी सहमत हैं उनके फैसलों से? क्या आपको लगता है कि अब उनके मन में पूरी तरीके से डर बैठ चुका है कि कभी भी उनकी मुख्यमंत्री की सीट उनके हाथों से जा सकती है? अपनी राय जरूर दीजिएगा, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।